हमने विधानसभा के फ्लोर हाउस में बोला कि इसके दिमाग में कोई फर्क पड़ गया है, इसका इलाज कराओ एंड यू शुड बी मेडली भी एग्जामिन्ड और किसी अच्छे पागलखाने में दिखाओ जाके कि क्या फर्क पड़ गया। ये ऐसी बातें करके अगर ये समझ रहे हैं कि किसी किस्म का पोलिटिकल मैनेज मिल जाएगा तो इनके दिमाग में कोई फर्क है। और मैंने तो अखबार भी अंदर रख दी है, कटिंग भी अंदर रख दी है और सीरियसली लीगल नोटिस इशू करने के बारे में भी बात विचार कर रहे हैं। ऐसी बातें चुनाव के वक्त आते रहती है पठानिया जी, तो क्या माने ये र्यूमर है या क्या और है? अब मैं और कौन सी भाषा में बताऊं जो आपको समझ लगती है। मैंने बड़ा खुल के स्पष्ट अंदर विधानसभा में बोल दिया और यहाँ आपके सामने भी बोल रहा हूँ। ऐसी ना तो कभी कोई बात हुई है, ना कोई ऐसा विचार है, ना ही कोई ऐसी चर्चा भी हुई, ना ही कभी किसी रिमोटर्स और दिमाग में कभी ऐसी विचार भी आया हो और ना ही कभी विचार आएगा। एक डूबती किश्ती में कौन जाना चाहेगा मेरे समझ से बाहर। अशोक कुछ कह रहे हैं, मैंने उनका नाम नहीं लिया था लेकिन ऐसे कहा था कि कुछ भाजपा के मंत्री उनके संपर्क में हैं, वो जरूर आएंगे। वो तो हम बोल रहे हैं आधे से ज्यादा कांग्रेस तो हमारे संपर्क में। ये तो बोलने चालने का जैसे बहस बता रहे हैं, ये तो आजकल बोलने चालने का सीजन लगा हुआ है कि सब जो दिल में जिसके आ रहा है वो बोले जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। सर आप मझे हुए पॉलिटिशियन है, इस तरह की बातों का क्या मतलब होता है जब चुनाव? ये उनको पूछिए जिन्होंने स्टेटमेंट दिया, मेरे को मत पूछिएगा, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ जो आपने। सभी पार्टियों में ऐसा होता है, हमारे साथ तो संपर्क में जो लोग हैं वो हमारे साथ में थोड़ा नहीं होगा, वो तो संगठन के लेवल पे होगा, तो संगठन के लोग ही उसमें बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। इस तरीके से जिस तरीके से सुखू अपने अपने फटफड़ाहट दिखा रहे हैं जी, अपने आप कहने की सुपीरिटी शो करने के लिए मेरे साथ इन टच में है कि मैं असली कांग्रेस का लीडर हूँ। असली मकसद ये है और कि कुछ भी कोई भी लोग संपर्क करना चाहते हो मेरे पास आते हैं, मुकेश के पास नहीं आते या उसके पास नहीं आते। ये वो मैडनेस है जो खुल के सामने आ रही है, बाकी और कुछ नहीं। सर चार दिन के मानसून सत्र को किस तरह से देख रहे हैं आप? नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए और वो कॉन्फिडेंस मोशन में परिवर्तन हो गया। किस विषय के ऊपर ये बात कर पाए हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन 278 में मिल गया और उसके ऊपर 67 में फिर से बहस करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मानसिक संतुलन वाकई खराब है और जब नो कॉन्फिडेंस लगा इसमें 9 स्पीकर बोले और मुकेश जी 37 मिनट में एक बार इनको ओपीसी का नाम नहीं लिया, निकालिए इनकी स्पीच निकालो, 37 मिनट में इन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया। जब आप बैठने लगे तो वो भी है, मुद्दा भी है, ओपीसी भी, तब ये बोले। 37 मिनट को इशू याद नहीं आया, आज उसके ऊपर एक अलग से डिबेट माने। पूरे प्रश्नकाल में कांग्रेस के प्रश्न निकालो, एक भी विधायक ने ओपीएस पे प्रश्न लगाया कोई? आज इशू कैसे लेके जा रहे हैं? पर ये तो इनकी सीरियसनेस, ना आपने विधानसभा में प्रश्न लगाया, ना एक भी विधायक ने इसके ऊपर डिस्कशन मांगी, ना डिबेट मांगी। और कल रात को लास्ट में जाके ये, क्योंकि लगा पता कि आज मुलाजिम काफी आ रहे हैं तो उनको उनके मुंडे पे जिसको कह रहे हैं बंदूक रख के, ये भी आज चलाना चाह रहे थे जो नहीं चली। सर इन्होंने तो प्री घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, आप कैसे देखते हैं? इनकी जारी करने से क्या होगा? ये तो जो मर्जी दिल में आकर बोले चलेंगे, लोग विश्वास कर लेंगे। उत्तराखंड में बताएं, वहां बताएं, अपना छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में एक व्यक्ति बताएं जिसको पेंशन लगाई हो इनके मुख्यमंत्री, फिर तो हमसे बात करें नहीं। वहां पे भी घोषणा है कि हिमाचल के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए केवल घोषणाओं का दौर चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। सर इनका ये कहना है कि वो जब आएंगे तो ना ही वो केंद्र सरकार से कोई कर्जा लेंगे, ना ही किसी से, वो हिमाचल प्रदेश सरकार ही जो है पेंशन देगी, ये वादा करते हैं 10 दिन के अंदर अंदर जो है लागू करेंगे। इन्होंने कई वादे पहले भी किए थे, जब शांता कुमार के टाइम पे एप्पल वालों के साथ हड़ताल हुई थी, इन्होंने कहा था कि हम नो वर्क नो रूल पहली कैबिनेट में रूव करेंगे, उसके बाद 3 बार सरकार बन गई, आज तक एक प्रस्ताव लाए। ये तो झूठ का पलिंदा है, ये केवल सत्ता पाने के लिए आज ऐसी सब बातें कर रहे हैं। इनका एंड नोबडी टेक्स देम सीरियसली, सबको हमने अंदर डाटा भी दिया कि 399 सीटें लड़ी आपने उत्तर प्रदेश में, 378 पे आपकी, 386 पे आपकी जमानत जब्त है, 0.4% वोट मिला आपको, आरजेडी को ज्यादा वोट मिला इनसे और वो केवल 55 सीटों पे लड़ी है। आप 399 में लड़े हो, उनको 5% वोट पड़े, आपको 4.5% वोट पड़े। ये आज का इनका राष्ट्रीय स्तर पर इनका ग्राफ है और ये ग्राफ आपको हिमाचल में नजर आ जाएगा।